चलिए बात हल्द्वानी की, जहां पर देवभूमि ट्रक ऑनर्स वेलफेयर महासंघ ने एक बैठक आहूत की। बैठक में उन्होंने 5 मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर आगामी 5 दिसंबर को हड़ताल करने की बात कही। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि उन्होंने 30 नवंबर को सीएम धामी को अपना मांग पत्र सौंपा था, जिसमें ओवरलोडिंग, पर्वतीय मार्गों में भी मैदानी मार्गों की तर्ज पर 25% वाहन का भार बढ़ाए जाने समेत अन्य मांगों की बात कही गई थी, लेकिन शासन ने इन सभी मांगों को नजरअंदाज किया है, जिससे वाहन मालिकों में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो 5 दिसंबर को एकजुट होकर हड़ताल करेंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री साहब को जो हमने ज्ञापन दिया उसमें हमारी कुछ 5 मांगे हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो ओवरलोडिंग को हमने बंद कराना है और अंडरलोडिंग की मुहिम को हमने सफल कराना है। इसमें हमारा प्रशासन बिल्कुल भी सहयोग नहीं दे रहा है। हम खुद अपनी टीम लेकर के रात देर रात चेकिंग कर रहे हैं और हमने अभी तक काफ़ी सफलता पा ली है, लेकिन जब तक प्रशासन इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं होगा तब तक हम इस मुहिम को सक्सेस नहीं करा पाएंगे। इसलिए मांगे हैं वही हैं जो सरकार भी चाहती है, लेकिन सरकार का सिस्टम जो है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से सरकार का मकसद ओवरलोड को रोकना नहीं, सिर्फ ओवरलोड के माध्यम से भारी भरकम जुर्माना वसूलने का जो सरकार का टारगेट है उसके खिलाफ हम लोग आंदोलित हैं। और शीघ्र ही हम लोग, यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम जो है बहुत बड़ा जो हमारे ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन है वो अपने ट्रकों के साथ रोड पर आ जाएंगे। सर, ऐसा है कि जो हमारा उत्पीड़न हो रहा है, हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने बना दिया, ललित मोहन जोशी जी ने बना दिया, बता दिया है, और ये सुचारू रूप से अगर शासन इसे कामयाब नहीं होती है तो इसको हम अपने वाहनों को अपने हाथ से खड़े करेंगे और सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं और ये ओवरलोडिंग पूरी तरफ से बंद होना चाहिए। जो निजीकरण के सरकार की जो